हे गाइस, वेलकम टू द माइनिंग ज्ञान। मेरा नाम है देवेंद्र सिंह तोमर और आज हम पढ़ने जा रहे हैं सीएमआर 2017 का चैप्टर नंबर 9। हॉलेज के टॉप 10 एमसीक्यूज देखेंगे जो कि डब्ल्यूसीएल के एग्जाम के हिसाब से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर अभी तक आपने ये माइनिंग ज्ञान का ऐप डाउनलोड नहीं किया तो गूगल प्ले स्टोर से जल्दी से जाकर डाउनलोड करके आप सारा स्टडी मटेरियल, वीडियो लेक्चर्स वगैरह अटेंड कर सकते हैं और टेस्ट सीरीज भी अटेंड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि एट व्हाट इंटरवल्स आर मैन होल्स टू बी प्रोवाइडेड इन अ हॉलेज रोडवे ऑफ ग्रेडियंट 1:5। देखिए यहां पूछ क्या रहा है, पहले चीज तो ये समझिए कि मैन होल्स की दूरी कितनी होनी चाहिए। पहले चीज तो मैन होल्स, दो मैन होल्स के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, मतलब एक हॉलेज रोडवे है, हॉलेज रोडवे है मतलब जहां पे टब्स वगैरह चलते हैं उसमें दो मैन होल्स के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, मतलब जितने भी आप मैन होल्स प्रोवाइड करोगे उन सभी मैन होल्स के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए। ठीक है, और ग्रेडियंट कितना है हॉलेज रोडवे का, 1:5 का ग्रेडियंट है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको चूज करके बताना है, उसके बाद मैं इसको आपको डिटेल में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं। ऑप्शन नंबर ए 10 मीटर, ऑप्शन नंबर बी 12 मीटर, ऑप्शन नंबर सी 15 मीटर एंड ऑप्शन नंबर डी 20 मीटर। ठीक है, तो इसमें से आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, 1:5 के ग्रेडियंट पे करेक्ट आंसर होगा 10 मीटर। ठीक है, देखिए इसमें कंडीशन क्या दी है कि अगर 1:6 से ग्रेडियंट कम है, ग्रेडियंट लेस देन 1:6 है, 1:6 से ग्रेडियंट कम है, तब उस केस में मैन होल्स के बीच की जो दूरी होनी चाहिए वो होनी चाहिए 20 मीटर, उससे ज्यादा दूरी नहीं रख सकते आप। ठीक है, लेकिन अगर 1:6 से ज्यादा है ग्रेडियंट, ग्रेटर देन है ना, या फिर एक्सीड्स लिख दिया 1:6 से ज्यादा है ग्रेडियंट, तो उस केस में आपको 10 मीटर आंसर में होगा। ठीक है, तो बेस क्या हो गया आपका 1:6। ठीक है, ज्यादा का मतलब देखिए स्टीपर हो जाता है ना, ज्यादा का मतलब क्या होता है, स्टीपर मतलब और ज्यादा ढलान वाला है ना, और लेस मतलब क्या होता है, फ्लैट। ठीक है, जितना ज्यादा कम ढलान वाला, लेस स्टीपर। ठीक है, कम ढलान वाला। तो इस केस में आपको क्या करना है, इस चीज को ऐसे समझना है कि भैया 1:6 से ज्यादा है ग्रेडियंट, ज्यादा है मतलब कि ज्यादा स्टीपर है, मतलब कि 1:5 ज्यादा स्टीपर हो गया है ना, तो 1:5 ज्यादा स्टीपर है तो उस केस में आपका 10 मीटर आंसर हो जाएगा। 1:6 से अगर ज्यादा लिख देता, सॉरी कम लिख देता कि हाँ ग्रेडियंट कम है, तो उस केस में आपको क्या लिख देना है, 20 मीटर लिख देना है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान में रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कि बोलता है अनलेस एग्जेम्प्टेड बाय रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस हाइट ऑफ मैन होल्स अलोंग हॉलेज रोडवे शैल बी। हॉलेज रोडवे में जो मैन होल्स हम बना रहे हैं, ठीक है, अब तो हमने डिस्टेंस देख ली, दो मैन होल्स के बीच की दूरी देख ली, अब अगर हम बात करें इसकी हाइट की, तो हाइट कितनी होनी चाहिए मैन होल्स की है ना, तो इसकी हाइट 1.5 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए, या फिर 1.8 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए, या फिर नॉट लेस देन फुल हाइट ऑफ रोडवे इफ द हाइट इज लेस देन 1.8 मीटर। रोडवे की हाइट से कम नहीं होनी चाहिए, जितनी रोडवे की हाइट है उतनी हाइट रख लो मैन होल्स की। कब, किस केस की बात कर रहा है, अगर रोडवे की हाइट क्या है 1.8 मीटर से कम है। ठीक है, चौथा ऑप्शन हो गया आपका ए और बी, दोनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं, और पांचवा ऑप्शन क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर ई, बोथ बी एंड सी, ये दोनों करेक्ट हैं। ठीक है, ये आपको ऑप्शंस हो गए, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा बोथ बी एंड सी। पहली कंडीशन क्या बोल दी गई कि भैया आप एक तो 1.8 मीटर से कम नहीं रखेंगे हाइट, ठीक है, इतना तो रखना ही रखना है। ठीक, लेकिन अगर कहीं ऐसा केस हो गया कि भाई आपकी गैलरी की जो हाइट है, आपका जो गैलरी है इसकी जो हाइट है गैलरी की, ये 1.8 मीटर से कम है, मान लो कि ये 1.5 मीटर की हाइट है गैलरी की, ठीक है, तो गैलरी की हाइट के बराबर ही आपको क्या बनाना है, मैन होल बनाना है गैलरी की हाइट के बराबर, समझ गए, तो गैलरी की जो हाइट है उसका फुल हाइट है ना, गैलरी जो रोडवे है उसकी फुल हाइट के बराबर हमें क्या बनाना है, आपको बनाना रहेगा। किस केस के लिए है, जब गैलरी की हाइट 1.8 मीटर से कम होती है,
1.8 मीटर से ज्यादा है तो मैन होल कितना आप बना दोगे, 1.8 मीटर की हाइट का मैन होल या फिर उससे ज्यादा का आप बना सकते हो, ठीक है। 1.5 मीटर का कोई भी प्रोविजन नहीं है, ठीक, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन तो गलत है, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया आपका। तो करेक्ट आंसर क्या है, बोथ बी एंड सी, क्योंकि ये दोनों करेक्ट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें कि बोलता है व्हाट शुड बी द मिनिमम गैप बिटवीन इनर मोस्ट एंड्स ऑफ टू टब्स इन टैंडम। दो टब्स जब टैंडम में है, मतलब एक दूसरे से अटैच है, ठीक है, दो टब्स जब एक दूसरे से अटैच है, टैंडम में है, एक दूसरे के पीछे लगे हुए हैं, एक टब ये हो गया, दूसरा टब आपका ये हो गया, है ना, दोनों जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, ठीक है, दोनों टब जुड़े हुए हैं, तो दो टब्स एक दूसरे से जब टैंडम में है, एक दूसरे के आगे पीछे हैं, तो इनके बीच में जो गैप है, ये जो गैप है, ये गैप कम से कम कितना होना चाहिए, ठीक है, ज्यादा गैप रख लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम गैप कितना होना चाहिए इनके इनर मोस्ट एंड से, ठीक है, तो ये गैप कितना होना चाहिए कम से कम, ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। तो आपके पास ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी 37 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी 20 सेंटीमीटर एंड ऑप्शन नंबर डी 38 सेंटीमीटर, ठीक है, ये आपके ऑप्शंस हो गए। चलिए तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 20 सेंटीमीटर, ठीक है, आपको रेगुलेशन नंबर 94 में जो पहला सब रेगुलेशन है उसी में ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें कि ये बोलता है व्हाट शैल बी द क्लियर मिनिमम क्लियर स्पेस बिटवीन एडजेसेंट हॉलेज ट्रैक्स एट प्लेस वेयर टब्स आर कपल्ड और अनकपल्ड। हो सकता है क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक आपको लगे, बट मैं आपको समझा देता हूं कि बोल रहा है जहां पर टब्स को, ये ध्यान से सुनिएगा, जहां पर टब्स को कपल किया जाता है या फिर अनकपल किया जाता है, मतलब कि रोप से अटैच किया जाता है या फिर डिटैचमेंट किया जाता है या फिर दो टब्स को जोड़ा जाता है, ऐसी जगह जहां पर कपलिंग या फिर अनकपलिंग का काम चलता है, उन जगहों पर जो ट्रैक्स है, ठीक है, जो ट्रैक्स है, अब मान लीजिए दो ट्रैक्स, एक ये ट्रैक हो गया, एक साइड में ट्रैक हो गया, ठीक है, तो ये जो एडजेसेंट ट्रैक्स हैं, एक दूसरे के अगल बगल जो ट्रैक्स हैं, इनके बीच की मिनिमम क्लियर स्पेस कितना होना चाहिए, इनके बीच में मिनिमम क्लियर स्पेस इनके बीच में कितना होना चाहिए, मिनिमम क्लियर स्पेस कितना होना चाहिए इनके बीच में, तो आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है कि आधे मीटर का होना चाहिए, 0.5 मीटर या फिर 0.8 मीटर या फिर 1.2 मीटर या फिर 1 मीटर, ठीक है, तो मिनिमम क्लियर स्पेस कितना होना चाहिए, ये आपको कहाँ मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा रेगुलेशन नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पर, एक सेकेंड बता रहा हूँ, आपका रेगुलेशन नंबर 92 में, सब रेगुलेशन 18 में ये मिल जाएगा, ठीक है, रेगुलेशन नंबर 92 में, सब रेगुलेशन 18 में आपको ये मिल जाएगा, उसमें दिया हुआ है कि एक मीटर इनके बीच में होना चाहिए क्लियर स्पेस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, और टब्स और रोडवे के एक साइड, टब्स और रोडवे के एक साइड के बीच में भी जो डिस्टेंस होना चाहिए वो 1 मीटर होना चाहिए, ठीक है, तो ये चीज भी आपको इसमें बताया हुआ है उसी रेगुलेशन में। हॉल रोड ग्रेडियंट शुड नॉट एक्सीड, हॉल रोड का ग्रेडियंट इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब कि इससे ज्यादा स्टीपर नहीं होना चाहिए, 1 in 10 हो गया या फिर 1 in 14 से ज्यादा या फिर 1 in 15 से ज्यादा या फिर 1 in 16 से ज्यादा या फिर 1 in 20 से ज्यादा स्टीपर नहीं होना चाहिए, ठीक है। हॉल रोड की बात कर रहा है, आपका जो ओपन कास्ट माइंस में हॉल रोड होता है उसकी बात की जा रही है, तो उसका ग्रेडियंट आपको बताना है कि इससे ज्यादा उसका ग्रेडियंट स्टीपर नहीं होना चाहिए, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो वो कितने से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 1 in 16 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये आप लोग को रेगुलेशन में तो नहीं दिया हुआ है ना, आपका रेगुलेशन नंबर कौन सा है, ये आपका रेगुलेशन नंबर 101 हो जाएगा, 101 में आपको वो पैरामीटर्स जो है तो बुक में नहीं दिया है, लेकिन ये आपके पैरामीटर्स अलग से आप अगर स्पेशल ऑर्डर्स पढ़ोगे तो उसमें दिया हुआ है कि 1 in 16 से ज़्यादा ग्रेडियंट नहीं होना चाहिए
और आपको और भी चीजें दी हुई हैं कि जैसे रैंप का ही आपसे किसी ने पूछ लिया, अब एक्स्ट्रा मैं बता दूं कि रैंप का आपसे किसी ने पूछ लिया तो रैंप का ग्रेडियंट जो है तो 1:10 से ज्यादा स्टीपर नहीं होना चाहिए, है ना। रैंप क्या होता है, एक हॉल रोड को दूसरे हॉल रोड से कनेक्ट करने वाली जो रोड होती है उसको रैंप बोलते हैं, वो ढलान वाली होती है ना। तो इसका भी स्टीपर, इससे ज्यादा स्टीपर नहीं होना चाहिए, इससे ज्यादा ढलान वाला नहीं होना चाहिए, ठीक है। वहीं पे अगर आपसे पूछ ले कि एम्बैंकमेंट्स या पैरापेट वॉल, एम्बैंकमेंट्स या पैरापेट वॉल क्या होता है, हॉल रोड के साइड में, हॉल रोड के साइड में जो आप बर्म बनाते हो, ठीक है, उनको एम्बैंकमेंट्स या फिर पैरापेट वॉल बोलते हैं, ठीक है। रोड के दोनों साइड में, है ना, जैसे ये रैंप उतारी, ये रैंप उतारी, तो रैंप के दोनों साइड में मैं क्या करूंगा, इधर भी पूरा एक ऊंचा पैरापेट वॉल जैसा खड़ा कर दूंगा मिट्टी का ही, और यहाँ पे भी मिट्टी का ढेर लगा दूंगा, इस टाइप से कुछ होगा, मिट्टी का ढेर, ठीक है। तो ये मिट्टी का जो ढेर है, ये मिट्टी के ढेर के बारे में भी आपसे कुछ स्टैंडर्ड पैरामीटर्स पूछ सकता है कि जो इसका टॉप का विड्थ है, ये ऊपर का टॉप का जो विड्थ है, चौड़ाई है, ये 1 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए, और जो बॉटम का विड्थ है, ये वाले विड्थ, ये 2.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज भी आप याद में रख सकते हैं, ठीक। तो ये सारी डिटेल्स आप याद रखिए, ठीक है, इंफॉर्मेशन जरूरी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 के, जिसमें बोलता है पार्ट्स ऑफ रोप हॉलेज सिस्टम दैट आर टू बी एग्जामिन्ड बाय अ कॉम्पिटेंट पर्सन वंस एट लीस्ट इन एवरी 24 आवर्स आर, हर 24 घंटे में जो कॉम्पिटेंट पर्सन द्वारा जो रोप होले सिस्टम के पार्ट्स को एग्जामिन किया जा रहा है, वो कौन कौन से पार्ट्स हैं। हर 24 घंटे में जो रोप होले सिस्टम के जो पार्ट्स हैं, रोप होले सिस्टम के जो पार्ट्स हैं उनको एग्जामिन जो किया जा रहा है 24 आवर्स में किसी कॉम्पिटेंट पर्सन के द्वारा, है ना, उसके जो पार्ट्स हैं उनको, तो वो कौन कौन से पार्ट्स हैं, पार्ट्स के नाम बताने हैं। तो इसका पहला ऑप्शन है हॉलेज इंजन, दूसरा ऑप्शन है ब्रेक व्हील, तीसरा ऑप्शन है रोप, चौथा ऑप्शन है अदर अप्लायंसेस इन यूज, मतलब कि रोप होले सिस्टम से जो जुड़े हुए अप्लायंसेस हैं वो, या फिर ऑल ऑफ द अबव, या फिर सभी को, ठीक है। 24 घंटे में ये सारे पार्ट्स क्या होने चाहिए, एग्जामिन होने चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर आपको कहाँ मिल जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा रेगुलेशन नंबर 98 में, एग्जामिनेशन ऑफ हॉलेज इंजन्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव, हर एक जितनी भी चीज आपको ऑप्शन में दिया है, ये सभी का एग्जामिनेशन हर 24 घंटे में एक बार होना जरूरी रहता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें कि बोलता है एग्जामिनेशंस के बारे में बात करता है। तो किस चीज का कब एग्जामिनेशन हुआ है, ये यहाँ पे ऑप्शन में आपको दे दिया, अब आपको बताना कि वो सही है या गलत है, इनमें से सही कौन सा है, ठीक है। तो इनमें से सही कौन सा है आपको ये चीज बतानी है यहाँ पे। तो एक हो गया हॉलेज इंजन एंड रोप, हॉलेज इंजन एंड रोप में इनका एग्जामिनेशन कब होना चाहिए, वंस एट लीस्ट इन 24 आवर्स, 24 आवर्स में एग्जामिनेशन होता है हॉलेज इंजन का और उसके रोप्स का, ठीक है। तो ये तो अभी अपने पिछले क्वेश्चन में देखा था, करेक्ट है ये, ठीक है। अगला ऑप्शन, हॉलेज ट्रैक और उसके उससे रिलेटेड सेफ्टी डिवाइसेस जो है उनका एग्जामिनेशन 7 दिन में एक बार होना चाहिए, ठीक है। ये चीज भी जो है तो करेक्ट है या नहीं है ये आपको बताना है, बाकी आपको ये रेगुलेशन नंबर 98 में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, टब बफर्स, ड्रॉबार्स एंड टब कपलिंग्स, इनका एग्जामिनेशन 14 दिन में एक बार होना चाहिए, कम से कम एक बार 14 दिन में। तो ये आपको कहाँ मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा रेगुलेशन नंबर 94 में, ये सही है कि गलत है, ठीक है। उसके बाद अगला हो जाता है आपका हॉलेज एंड ट्रैवलिंग रोडवेज, हॉलेज और ट्रैवलिंग रोडवेज जो है तो इनका एग्जामिनेशन 7 दिन में होना चाहिए, ठीक है, ये चीज बोल रहा है यहाँ पर। अब इसका करेक्ट आंसर आपको कहाँ मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा रेगुलेशन नंबर 99 में, ठीक। मैं आपको रेगुलेशन इसीलिए बताते जा रहा हूँ कि आपको ढूंढने में तकलीफ ना हो, ठीक है। चलिए तो अब अपना आखिरी ऑप्शन देखते हैं, ऑल ऑफ द अबव, क्या सभी करेक्ट हैं, ठीक है। आप चेक करिए, आंसर को ढूंढिए, चेक करिए और फिर उसके बाद आंसर दीजिए वीडियो को पॉज करके, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक, ये सारे ऑप्शन सही है, ठीक है। तो अब आपको देखिए एक तरीके से नोट्स भी बन गया कि हाँ मेरे को एक जगह मिल गया पूरा का पूरा कि कौन सी चीज का कब एग्जामिनेशन होना चाहिए, ठीक। तो ये चीजें आप ध्यान में रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, सब्सटेंशियल फेंसिंग शैल बी प्रोवाइडेड एंड मेंटेन बिटवीन हॉलेज रोड एंड बिल्डिंग्स इन द विसिनिटी इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज, हमें फेंसिंग प्रोवाइड कराना है
है ना, अगर हॉलेज रोडवे और जो बिल्डिंग है, हॉलेज रोड और बिल्डिंग के बीच का जो डिस्टेंस है इतना हो है, मतलब डिस्टेंस बताने के, कितना डिस्टेंस होने पर हमें सब्सटेंशियल फेंसिंग मतलब कि फेंसिंग प्रोवाइड कराना पड़ेगा, ठीक है। तो इनके बीच का डिस्टेंस 15 मीटर हो जाता है तब कराना है, कि 20 मीटर हो जाता है तब कराना है, कि 30 मीटर हो जाता है तब कराना है, कि 40 मीटर हो जाता है तब कराना है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर, आपका करेक्ट ऑप्शन होगा आपको रेगुलेशन नंबर 103 में फेंसिंग एंड गेट्स में दिया हुआ है 15 मीटर, ठीक है। 15 मीटर अगर डिस्टेंस हो जाती है तो उस केस में आपको इनके बीच में प्रोवाइड कराना रहता है, ठीक है, सब्सटेंशियल फेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें कि बोलता है एफिशियंट टेलीफोनिक कम्युनिकेशन शैल बी प्रोवाइडेड बिटवीन एंड ऑफ हॉलेज सिस्टम एंड द टॉप ऑफ शाफ्ट और इंक्लाइन इफ लेंथ ऑफ हॉलेज सिस्टम एक्सीड्स। हॉलेज सिस्टम की लेंथ कितना होने पर, हॉलेज सिस्टम की, अब क्या क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, हॉलेज सिस्टम की लेंथ कितने ज्यादा, कितने से ज्यादा होने पर, है ना, आपको वो डिस्टेंस बतानी है कि हॉलेज सिस्टम इतना ज्यादा लंबा होने पर आपको क्या प्रोवाइड कराना पड़ेगा, उसमें शाफ्ट टॉप या फिर इंक्लाइन टॉप जो भी है आपका वहां पर, है ना, और हॉलेज सिस्टम का जो एंड है ना, एंड है, इनके बीच में आपको टेलीफोनिक कम्युनिकेशन प्रोवाइड कराना है, ठीक है। हॉलेज सिस्टम के एंड के और शाफ्ट और इंक्लाइन के टॉप के बीच में जो जो लेंथ है वो कितनी हो गई है, वो आपको लेंथ बतानी है, और उतना लेंथ होने पर क्या होता है, उस उतना या फिर उससे ज्यादा लेंथ होने पर टेलीफोनिक कम्युनिकेशन प्रोवाइड कराना रहता है, ठीक है। तो ये लेंथ कितनी होने पर आपको टेलीफोनिक कम्युनिकेशन प्रोवाइड कराना पड़ेगा, तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 500 मीटर, ऑप्शन नंबर बी 300 मीटर, ऑप्शन नंबर सी 600 मीटर एंड ऑप्शन नंबर डी 1 किलोमीटर। इनके बीच की डिस्टेंस अगर क्या पता 1 किलोमीटर होने पर प्रोवाइड कराएंगे, या फिर 600 मीटर प्रोवाइड होने पर प्रोवाइड कराएंगे, या फिर 500 मीटर या फिर 300 मीटर, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 300 मीटर होने पर प्रोवाइड कराएंगे। आपको ये वाला मिल जाएगा रेगुलेशन नंबर 92 में सब रेगुलेशन 8, ठीक है, रेगुलेशन 92 सब रेगुलेशन 8 में ये आपको मिल जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा, लास्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है, अ लोकोमोटिव शैल नॉट बी यूज्ड वेयर ग्रेडियंट ऑफ ट्रैक एक्सीड्स। जहां पे ट्रैक्स का जो ग्रेडियंट है वो कितना होने पर लोकोमोटिव नहीं यूज करना है ना, उससे ज्यादा होने पर लोकोमोटिव नहीं यूज करना, मतलब उससे ज्यादा अगर ढलान वाला हो जाता है तो हमें कोई भी लोकोमोटिव का इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक। तो उससे ज्यादा ढलान होने पर मतलब कि आपका ग्रेडियंट कितने, मतलब इससे ज्यादा स्टीपर नहीं होना चाहिए, तो कितने से ज्यादा स्टीपर नहीं होना चाहिए, 1 in 14 या फिर 1 in 15 या फिर 1 in 16 या फिर ग्रेडियंट एज परमिटेड बाय रीजनल इंस्पेक्टर, है ना, जैसा रीजनल इंस्पेक्टर बोले फिर। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपका करेक्ट आंसर होगा कि रेगुलेशन नंबर 99 में, सॉरी 100, रेगुलेशन नंबर 100 में दिया हुआ है कि लोकोमोटिव का इस्तेमाल नहीं करना है अगर ग्रेडियंट जो है ट्रैक्स का कितने से ज्यादा हो जाता है, 1 in 15 से ज्यादा हो जाता है तो, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप ध्यान में रख सकते हैं। आई होप कि मैंने आपको थोड़ा अच्छे से डिटेल में बताया है, मैं दिन पर दिन इम्प्रूव करूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। आप लोग कमेंट करिए, मोटिवेट करिए और टॉपिक्स बताइए मैं किस पे वीडियो बना सकता हूँ, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, तो मैं आपके लिए और भी अच्छा कंटेंट लाने की पूरी कोशिश करूंगा। हो सकता है किसी में कम हो जाए, हो सकता है किसी में अच्छे से इम्प्रूव करूं, पर डे अगर वीडियोस बनाते जाऊंगा और ज़्यादा अच्छे से आपको मैं समझा पाऊंगा कोई चीज़ें, ठीक है। तो आप बताइए कैसा लगा, ठीक है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।